लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स दी हुई है। लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, रिजर्व फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल अकाउंट है। एसेट्स के अंदर फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन माइनस किया है और कैश एट बैंक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 बेटे वो एडमिशन दे रहे हैं, 1 अप्रैल 2018 को आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ ₹4,50,000 एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है लेकिन ये लिखा है कि वो गुडविल भी कैश में लेकर आएगा। कितनी लेकर आएगा वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ बेटे वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो देखते हैं अभी कैसे कैलकुलेट करना है। बेटे वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है हमारे पास, जिसके अंदर बेटे वो कैपिटल लेकर आ रहा है 4,50,000 की और एक नेसेसरी अमाउंट लेकर आ रहा है बेटे वो गुडविल शेयर के लिए। आगे लिखा हुआ बेटे फर्नीचर ऑफ ₹2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या यास्मिन फातिमा इक्वली। बेटे वो फर्नीचर लेकर जा रहे हैं ₹2,40,000 का इक्वली लेके जा रहे हैं तीनों। क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट। पहले नहीं रिकॉर्ड किए हुए थे हमने ₹7,000 के क्रेडिटर्स, अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आपको दिए हुए हैं। एट द टाइम ऑफ आदित्य एडमिशन यास्मिन ऑल्सो ब्रॉट ₹50,000 एज फ्रेश कैपिटल। बेटे यास्मिन जो है वो ₹50,000 एडिशनल कैपिटल ले आया है। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड एट ₹2,00,000 एंड एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू ₹9,000। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटे जिनकी वैल्यू कम हो रही है ₹9,000 तक। कोई नहीं बेटे, पहले हम लोग गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स लिखा है बेटे, पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट हमें लेने हैं। आप लोग ध्यान से फिर इस वाले पॉइंट को समझ लेना बच्चों, ये हमने गुडविल में भी डिस्कस किया था पॉइंट। बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 ईयर्स। बेटे पिछले 2 साल हमें प्रिसीडिंग देखना होता है। बेटे उसने 1 अप्रैल 2018 को एडमिशन लिया है बच्चों, 1 अप्रैल 2018 को उसने एडमिशन लिया है। तो हमें ये मेरा पहला साल हो गया और ये मेरा दूसरा साल हो गया, मेरे को इसको इग्नोर करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं करना होता है कि हम स्टार्टिंग से लिखें 15, 16, 16, 17, नहीं, हमें प्रिसीडिंग चलना होता है बेटा, इमीडिएटली प्रिसीडिंग। तो 2017-18 यहाँ से फिर बेटा ये वाला, ये हमारे 2 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा। तो अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 6 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया बेटे 4। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा बेटा 2.5 ईयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यू होती है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट है बच्चों 4 लाख का इंटू 2.5 ईयर्स। बेटे ये आ गया 10 लाख। अब जो नया पार्टनर है आदित्य, उसका शेयर अगर हम निकालें
10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/5 2 लाख, उसकी गुडविल शेयर आ गई बच्चों 2 लाख। इसके बाद हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट बेटे क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। पहले तो हम क्रेडिटर्स की बात देखेंगे बेटे। क्रेडिटर्स हैं 7000 के, जो हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे, अब उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटे। डेबिट साइड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। क्रेडिट साइड एसेट्स इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी कम होती है। तो बच्चों जब क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। टू क्रेडिटर्स 7000। बेटे प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू किया गया 2 लाख में, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी है 1,80,000 की, अब 2 लाख की होगी बेटे। तो एसेट्स इंक्रीज हो गई बेटे बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटे जो कम हो गया है 9,000 रुपये तक, क्योंकि टू वर्ड लिखा हुआ है वहां पर, 2 रुपीज 9,000 लिखा हुआ बेटे। मैंने आपको इसका डिफरेंस बहुत बार बताया है बेटे, जहां पर टू वर्ड लिखा होता है इसका मतलब उतने तक कम हो गए। आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 रुपये का था, अब 9,000 रुपये का रह गया, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है बेटे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ बेटे क्वेश्चन में। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बेटे 21,000। अब माइनस कर देंगे 7,000, यहाँ पे आ गया 14,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू दिव्या, यास्मिन और फातिमा। बेटे इनकी रेशियो है 11:7:2, यानी बेटे 14,000 × 11/20, 14,000 × 7/20, 14,000 × 2/20, 7,700, 4,900, 1,400, 1,400। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया बेटे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, आप लोग ध्यान से बनाना बेटे। अब चार पार्टनर हो गए हैं, पर्टिकुलर्स दिव्या, यास्मिन, फातिमा, आदित्य। पर्टिकुलर दिव्या, यास्मिन, फातिमा, आदित्य। बेटे सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख देते हैं।
5,10,000, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख प्रॉफिट, ₹77,000, 4,900, 1,400, 5 लाख रिजर्व फंड। बेटे आपको रिजर्व दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, लाइबिलिटी साइड के अंदर 90,000 का, उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 90,000 इंटू 11/20 49,500। और बेटे 9,000 बाय बैंक अकाउंट। बेटे जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 4,50,000। हमने गुडविल कैलकुलेट की थी बेटे अभी ऊपर, उसका शेयर ₹2,00,000, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है बेटे वो कैश में लेकर आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जहां पर ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन होता है बेटे, वहां पर ओल्ड रेशियो ही हमारे पास क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। 1,10,000, 70,000, 20,000। बेटे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पार्टनर्स ना फर्नीचर लेकर जा रहे हैं अपने घर पर 2,40,000 का इक्वली, कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स ने कैश पे किया, कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर, बस ये लिखा कि वो इक्वली फर्नीचर लेकर जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी बेटे, उनके कैपिटल से पैसा निकाल लेगी, यानी उनके कैपिटल को कम कर देगी, टू फर्नीचर इक्वली लेकर जा रहे हैं बेटे, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, 80,000, 80,000, 80,000, 2,40,000 रुपये का फर्नीचर था बच्चों, वो इक्वली लेके जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, ये उनके कैपिटल से विड्रॉ कर लिया जाएगा, और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ बच्चों, हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ये आएगा बेटे 6,77,200, 4,56,400, 5,30,000, 4,50,000। सर बी पॉइंट में ये मिला था, नासा ने आल्सो बोर्ड 50,000 एज अ फ्रेश कैपिटल, और इतना एडमिशन मिला। अच्छा हाँ बेटे, वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है फातिमा, लेकर यास्मिन लेकर आ रहा है बेटे एडिशनल कैपिटल, यास्मिन एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ रहा है। एडिशनल कैपिटल ₹6,77,200, 4,56,000। सर आपने 50,000 ऐड करा सर, तो वो टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, एक बार टोटल करके देख ले, यहाँ पर आया टू बैलेंस सीडी,
इसमें से इसको माइनस कर दे अगर हम लोग, 5,97,200, इसमें से इसको माइनस करें अगर हम लोग, 3,76,400, 5,30,000 माइनस 80,000, 4,50,400 ये आया बेटे 4,50,000। बेटे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं पहले। क्रेडिटर्स हैं मेरे पास 70,000 के, 7,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 77,000। एक बेटा पब्लिक डिपॉजिट लिखा हुआ वर्ड, एक लाख 19,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे, 1,000 रुपए से कम हो गए 9,000। कैपिटल अकाउंट दिव्या यास्मीन फातिमा आदित्य 5,97,200, 3,76,400, 4,50,400, 4,50,000, 18,74,000। एसेट साइड देखो बेटे, फैक्ट्री बिल्डिंग 7,35,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,00,000, फर्नीचर बेटे कम हो रहा है हमारे पास, फर्नीचर की वैल्यू देखो आपको कितनी दी हुई है, 2,60,000, जिसमें से 2,40,000 का फर्नीचर पार्टनर्स ले गए, फर्नीचर रह गया 20,000, स्टॉक 1,45,000, डेटर्स 1,50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000, आउटर कॉलम 1,20,000, कैश एट बैंक। बेटे आपको 1,59,000 का कैश का बैलेंस दिया है, 4,50,000 कैपिटल आई है बेटे, और 2,00,000 रुपए की आपके पास गुडविल आई है। अगर आप टोटल करें बेटे,
और 50,000 रुपये बेटे वो एडिशनल कैपिटल लेकर आई थी फातिमा, तो टोटल आ गया हमारे पास कैश का बैलेंस 8,59,000। अगर आप बैलेंस शीट का टोटल करें तो बेटे ये आएगा 20,79,000, 20,79,000। कोई डाउट है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। पारस कोई डाउट है आपको? सर। ईशान जैन, ईशान सैनी? नो सर। अर्पित अरोड़ा कोई डाउट बेटा आपको? नो सर। श्रुति आपको कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, आप लोग एक बार नोट कर लो बेटे, कहीं ऐसा ना हो बाद में नोट ना हो। नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? ये बच्चों नोट किया आप लोगों ने? ये सर एक बार आप बैलेंस शीट दिखा दो। हो गया बेटा ईशान? यस सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बच्चों। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज, 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरी टू रिजर्व। मतलब हम अपने टोटल प्रॉफिट का 1/6 बेटे रिजर्व में भी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी गई है। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ सी। She bring ₹25,000 towards his capital. She also bring ₹5,000 for 1/5 share of goodwill. Stock is undervalued by 10%. Stock को आपने undervalue कर रखा बच्चों 10% से. Creditors include a contingent liability of ₹4,000 which has been decided by court 3200. Creditors की liability बेटे ₹4,000 की थी, जो court ने decide कर दी है 3200 की, यानी creditors की value कम हो रही है. In regard to the debtors, the following debts proved bad or doubtful. ₹2,000 due from X, bad to the full extent. बेटे X से हमें ₹2,000 लेने थे, वो पूरे के पूरे bad debts हो गए. ₹4,000 due from Y, बेटे Y से हमें ₹4,000 लेने थे, जो insolvent हो गया. Estate expected to pay only 50%. Y हमें सिर्फ 50% दे पाएगा बेटे, यानी 4,000 का 50% 2,000 दे पाएगा, 2,000 नहीं दे पाएगा. तो 2000 Y के बेड डेप्थ हो गए, 2000 X के बेड डेप्थ हो गए, टोटल बेड डेप्थ हमारे पास 4000 के हो गए. ठीक है सर, तो बेटे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. एसेट्स की वैल्यू कम, लाइबिलिटी इंक्रीज. एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज. बेटे सबसे पहले मैं यहाँ पे
टू बैड डेब्ट्स लिखता हूँ। 2000 रुपए तो एक्स से लेने थे वो बैड डेब्ट हो गए, और बेटे 4000 रुपए वाई से लेने थे उसका 50% बैड डेब्ट हुआ, उसका 50% बैड डेब्ट हुआ, यानी टोटल बैड डेब्ट हमारे पास हो गए 4000। एक बेटे मेरे क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 4000 रुपए की कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी को लेकर, अब वो कोर्ट ने डिसाइड कर दी है 3200 की, यानी सर मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो सर क्रेडिट साइड आता है बाय क्रेडिटर्स, 4000 की लाइबिलिटी थी 3200 की रह गई, 800 से लाइबिलिटी कम हो गई। एक सर आपने स्टॉक की वैल्यू को भी 10% से कम कर रखा है, अंडर वैल्यू कर रखा है, तो बेटे यहाँ पर मेरे को स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा बाय स्टॉक 18000, 90% को शो कर रहा है, तो बेटे 100% को कितना शो करेगा, ये 90 कैसा है आप एक बार समझ भी सकते हैं। मान लो मेरे पास स्टॉक की बुक वैल्यू 100 है, मैंने उसको 10% से अंडर वैल्यू कर रखा है, मतलब कम दिखा रखा है, 100 का 10% 10 होता है, तो यानी मैंने स्टॉक को बेटे 90% पे शो किया हुआ, यानी आपने बेटे स्टॉक को 90% पे शो किया, आपने 10% से कम पे शो कर रखा है, यानी स्टॉक की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई बच्चों, 20,000, और यहां पर आ जाएगा 2,000। आपके पास स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 20,000, आपने कर रखा है 18,000 में, आपने 90% पे शो किया हुआ है, तो 100% पे कितना होगा 20,000, आपने शो कर रखा है 18,000, तो आपने 2,000 से स्टॉक को इंक्रीज कर दिया। आप इसको बेटे ऐसे भी लिख सकते थे, 18,000 अगर 90% की वैल्यू है तो 10% से इंक्रीज करना है, तो बेटे सीधा 2,000 आ जाता है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप फुल वैल्यू निकाल, बेटे कैपिटल अकाउंट देखते हैं हम इसका, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, बाय बैलेंस बी डी 50,000, 40,000, बाय रिजर्व, आपको लाइबिलिटी साइड बेटा रिजर्व दिया हुआ 6,000, 4,000, हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा 3:2, बाय बैंक, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है बेटे 25,000 की, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 5,000 रुपये, 3,000, 2,000 टू रिवैल्यूएशन लॉस 720, 480, और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल प्लस करेंगे 59,000, 46,000, 25,000,
59,000, 46,000, 25,000 to balance CD. Balancing figure 59,000 minus 720, 58,280, 45,520, 25,000. इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है हम लोगों को. Liabilities amount, assets amount. Capital account A, B, C 58,280, 45,520, 25,000. Outer column 1,28,800. Creditors 20,000 के हैं. 800 के creditors कम हो गए थे बेटे, यानी creditors रह गए अब 19,200 के. Outstanding expenses आपको ऑलरेडी गिवन है 5,000. बिल्डिंग 50,000. प्लांट एंड मशीनरी 30,000. स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी बेटे, 18,000 का स्टॉक था, 2,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, स्टॉक की वैल्यू आ गई 20,000. डेटर्स 22,000 के थे, 4,000 के बैड डेब्ट्स हो गए थे बेटे, 18,000. बैंक 5,000 का था बेटे, 25,000 कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर, और बेटे 5,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 35,000. बच्चे टोटल करेंगे 1,53,000. कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. री आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर. मुनीश आपको कोई डाउट? नो सर. बेटे क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 72
Following is the balance sheet of the firm. Ashirvad owned by A, B and C, whose share profit and losses in the ratio of 3:1. Beta A, B और C तीन पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है. लाइबिलिटीज और एसेट्स आपको दी गई हैं. 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट डी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. डी विल ब्रिंग ₹120,000 एज हिज कैपिटल एंड ऑल्सो 30,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर अ क्वार्टर ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म. क्वार्टर मतलब 1/4. Value of the fixed assets of the firm will be increased by 10% before the admission of D. Mohan, an old customer whose account was written off as bad debt, has promised to pay 3,000 in full settlement of his due. Mohan, हमारे लिए पहले bad debt हो चुका है, बेटे अभी वो हमें promise कर रहा है कि वो हमारे को हमारा पैसा वापस करेगा. Future profit and loss बेटे आप लोगों को दिया हुआ है, future profit and loss इक्वली शेयर करेंगे बेटे, यानी मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ देखनी पड़ेगी. सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मुझे यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक बार देखना पड़ेगा. आपको यहाँ पर एंट्रीज भी पास करने के लिए कहा गया था बेटे. ठीक बेटे, आप मेरे को ये बताओ, प्राशुक बताओ बेटे, पॉइंट नंबर सी के लिए क्या करेंगे? मोहन जो ओल्ड कस्टमर है, प्राशुक है हमारे साथ? यस सर. हाँ बताओ बेटा क्या करेंगे. प्राशुक बोलोगे बेटे? सर समझ नहीं आ रहा. हेलो बेटे, वहाँ लिखा हुआ मोहन एक ओल्ड कस्टमर है जो पहले बैड डेप्ट हो चुका है, अब वो हमें प्रॉमिस कर रहा है कि वो ₹3,000 दे देगा. यस सर. क्या करेंगे इसका बेटे? मेरी एसेट्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? इंक्रीज. इंक्रीज होंगी. ठीक है बेटे, तो इंक्रीज होंगी तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड. ठीक है बेटे. पारस क्या करेंगे बेटे? सही बताया प्राशुक ने. यस सर, बैड डेट्स रिकवर्ड है ना. अच्छा बेटे, ठीक है बेटे. निशांत क्या करेंगे बेटे? हाँ सर, यही करेंगे. अच्छा ओके बेटे. स्नेहा क्या करेंगे बेटे? यही होगा सर. ओके बेटे. रिया आप बता सकते हो? रिद्धि आप बता सकते हो बेटे? सर उसने भी प्रॉमिस करा, उसने पे थोड़ा करा जो बैड डेट्स रिकवर हो जाएगा. यही यही पॉइंट है बेटे, क्वेश्चन ही रही था बेटे. आप लोग अंग्रेजी को ध्यान से समझे, बहुत अच्छी बात बोली आपने रिया. यहाँ पे लिखा हुआ हैज प्रॉमिस टू पे, बेटे वो सिर्फ वादा कर रहा है कि मैं आगे दे दूंगा. दिया कहाँ है बेटे अभी उसने? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए कहाँ है? मोहन तो हमारे लिए ₹3,000 का बैड डेब्ट हो चुका था पहले, अभी तो वो सिर्फ हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा. हम उसके पास गए होंगे, उसने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका पैसा जरूर दूंगा. कब दूंगा, कैसे दूंगा, कहाँ दूंगा, दिया नहीं दिया, कुछ नहीं कह रहा बेटे अभी वो. सिर्फ ये कहा गया कि वो हमसे प्रॉमिस कर रहा है, तो बेटे प्रॉमिस करने पर अकाउंटिंग थोड़ी होगी. ठीक है, तो इस पॉइंट का हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटे, क्योंकि यहाँ से प्रॉमिस किया गया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसने पैसा पे नहीं किया. यानी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ पॉइंट नंबर बी की वैल्यू आएगी, जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10%. और फिक्स्ड एसेट्स हमें दो ही दे रखे हैं, एसेट साइड फर्नीचर दिया हुआ और बिजनेस प्रमिसेस दिए हुआ बेटे. तो बाय फर्नीचर ₹95,000 का 10%, ₹9,500. बाय बिजनेस प्रमिसेस ₹2,05,000 का 10%, ₹20,500. इसके अलावा और कुछ नहीं है बच्चों हमारे पास. तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया बेटा 30,000.
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी 30,000 इंटू 3/6 2/6 1/6 15,000 10,000 5,000 बेटे कोई डाउट है किसी को यहां पर तो पूछ सकते हैं। बेटे आप लोगों के पास वर्किंग नोट के लिए जगह होगी, चलो मैं इधर ही बना देता हूं। ए बी और सी 3:1 की ओल्ड रेशियो है बच्चों, ए बी सी और डी बेटे इक्वल रेशियो आ गई है, ये न्यू रेशियो है। बेटे अगर हम न्यू रेशियो ने ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखें बेटा ए बी और सी के लिए, ए की ओल्ड रेशियो है बेटे 3/6 माइनस 1/4 3/12 2/6 माइनस 1/4 1/12 1/6 माइनस 1/4 बेटा ये नेगेटिव में आ गई माइनस 1/12 ये गेन कर गया बेटे, ये पार्टनर गेन कर गया। आप लोगों को मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पार्टनर गेन कर जाता है हमें उसको भी डेबिट करना पड़ेगा बेटे, हमें प्रीमियम फॉर गुडविल के टाइम उस पार्टनर को भी डेबिट करना पड़ता है बच्चों। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, यही बात है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट जो इस क्वेश्चन को गलत करवा देती है। अब बहुत ध्यान से देखना, नया पार्टनर बेटे, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 30,000, जो पार्टनर बेटा गेन कर गया 1/12 में इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन बच्चों ये जो डेबिट होता है ना गेन बेटे, गेन मैंने आपको बताया था गेन फर्म के लिए होता है बेटे, वो गेन जो है ना पूरी फर्म के लिए करता है, वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर के लिए नहीं करता। तो हमारे को यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल देखना पड़ेगा बेटे, जो नया पार्टनर है ना, जो नया पार्टनर है बेटे वो 1/4 शेयर के लिए आया, तो मैं अगर पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालूं, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, तो 30,000 इंटू 4/1 इंटू जितने से वो गेन कर गया बेटे 1/12, 4 3 12 बेटे 10,000। जब मैंने यहां तक मल्टीप्लाई किया तो मैंने बेटे ये फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, जितना वो गुडविल शेयर लाया उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दिया, हमारी फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई बेटे। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई उसके अंदर उसके गेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बात मैं आपको पहले एंट्रीज के टाइम पर भी बता चुका था। तो मैंने यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल निकाला, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया बेटे 1/12 से, तो 10,000 आ गया।
जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटे उनको क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये बेटे 40,000 है, 3/12 1/12 यानी 3:1 की रेशियो आ गई, तो यहां पर आ जाएगा 30,000, यहां पे आ जाएगा 10,000। 40,000 इंटू 3/4, 40,000 इंटू 1/4, 30,000, 10,000। बेटा कोई डाउट किसी को यहां तक? बच्चों कोई डाउट यहां तक? नो सर। बेटे मैं आप लोगों को ना इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए दे रहा हूं। आप लोग बेटे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बेटे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कराऊंगा, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर करेंगे बेटे। अच्छा अब जरा एक बार बच्चे मेरे को बताएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। बेटे सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स की 50,000, 60,000। बेटे बाय कैश नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है बेटे 40,000 की, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 1560 1040। बेटे फिर हमने ये जो गुडविल की एंट्री करी थी ना, ये वाली प्रीमियम वो नहीं लेकर आया था। देखो जेड डेबिट साइड है, रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स और वाई हैं। यहाँ पे आएगा बाय जेड कैपिटल अकाउंट, एक्स के अकाउंट के अंदर आएगा बेटे 1800 और यहां पर आएगा 1200। बेटा मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा, अभी आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बिल्कुल आराम से। हमारे पास ना एडमिशन में दो तरह के क्वेश्चन हैं बेटे, एक है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, बच्चों एक है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, और एक है बेटे विद कैपिटल एडजस्टमेंट। विद कैपिटल एडजस्टमेंट बेटे ये ना आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का दे दिया, जो भी हम लोगों को बाद में जाकर सीखना था, लेकिन आपको पहले दे दिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अभी हमारा आगे जाके टॉपिक स्टार्ट होना था जो हमारे एग्जाम में आना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पहले दे दिया है क्वेश्चन नंबर 67 में। और बेटे यहां पे देखो साफ साफ लिखा था जेड ब्रिंग 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। बेटे वो कोई भी अमाउंट गुडविल के लिए नहीं लेकर आ रहा है, तो हमने क्या किया बेटा, जब वो गुडविल के लिए नहीं लेकर आता है, देखो साफ साफ हमने बच्चों यहां पर ये गुडविल की एंट्री करी, ये रही। अभी तक आप लोग क्या करते थे, अभी तक आप एंट्री करते थे बेटे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटे आप ना इन दोनों अमाउंट को प्लस करके कैश साइड में दिखा दिया करते थे, आप सीधा यहाँ दिखाते थे बाय कैश, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो कैपिटल का आता था, और यहाँ लिखते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स और वाई को डिवाइड करते थे। लेकिन अब यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, तो देखो बच्चों हमने उसका नाम यहाँ पर लिखा क्योंकि हमने उसके कैपिटल से पैसा निकाल लिया बाय जेड कैपिटल अकाउंट 1800 और 1200। ठीक है बच्चों, आपको हमने 11th क्लास में एंट्री करना सिखाया था कि साइड और अमाउंट अपना आता है। तो देखो जेड डेबिट साइड है, उसके अमाउंट के आगे 3000 लिखा है, तो साइड और अमाउंट जेड के अकाउंट का आएगा, लेकिन उसके अकाउंट में नाम अपोजिट पार्टी का आएगा एक्स और वाई का। तो बेटे आप डेबिट साइड देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं डेबिट साइड लिखूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट बेटे 1800 लिखूंगा यहाँ पे, 1200 लिखूंगा यहाँ पे, 3000 रुपये हमने उसकी कैपिटल से निकाल दिया। अब बेटे हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ पे बेटे बैलेंस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस भी है। रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा था, हाँ बेटे रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ रहा था हमारा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस भी तो आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें दिया हुआ है एसेट साइड। रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ रहा था बेटे एक बार देखो जरा, 4200 और 1680। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन लॉस टू फाइव टू जीरो और बेटे 1680। एक हमें एसेट साइड बेटे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा बेटे 2400 और 1600। यहां मैं नीचे लिख देता हूं बेटे बैलेंसिंग फिगर 50,000, ये आ गया बेटा 53,360, ये आ गया बेटे 62,240, ये आ गया बेटे 40,000, 53,360, 62,240, 40,000, 40,000। बेटे यहां से अगर हम इसको माइनस करें तो ये वैल्यू आएगी बेटी 48,440, ये वैल्यू आएगी बेटे 58,960 और ये वाली वैल्यू आएगी बेटे 37,000। बेटे नोट किया आप लोगों ने, अंशिका आपको कोई डाउट है बेटे? नो सर। बेटे खुशी आपको कोई डाउट है? नो सर। बेटे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया था एक हमारा 3000 का, एक बेटे लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस के लिए हम लोगों ने प्रोविजन बनाया था 2000 का, अब मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखूंगा बेटे एक्स वाई और जेड को लेकर 48,440
58,960, 37,000, 58,960 बेटे आउटर कॉलम में आ जाएगा 48,440 प्लस 58,960 प्लस 37,000 1,440 बेटे एसेट साइड पहले लिख देते हैं कैश 10,000 हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों 40,000 रुपए की वो कैपिटल लेकर आया 50,000 बेटे सन्ड्री डेटर्स 80,000 माइनस बेटे जो बैड डेब्ट हो गए थे हमारे 6,000 रुपए के 74,000 के हमारे गुड बैड डेब्ट रह गए गुड डेटर्स रह गए बेटे स्टॉक हमारा ऑब्सोलीट भी हुआ था उसके बाद 20,000 रह गया मशीनरी की वैल्यू हमारे पास रहेगी बेटे 38,600 अगर हम इधर का टोटल देखें तो बेटा कितना आता है 50,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 38,600 182,600 182,600 बेटे लाइबिलिटी साइड का देखते हैं 11,200 प्लस 22,000 गुडविल वाला भी तो आएगा 3,000 बेटे वो हमने देखो ना ऊपर देखो हमने डेबिट साइड भी तो लिखा है 182,600 पारस वो हमने डेबिट साइड एंट्री करी है ना देखो अगर यहाँ पे बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट होती ना नया पार्टनर कैपिटल नहीं लेकर आता या उसके बेसिस पर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते तो हम उसकी रिवर्स एंट्री नहीं करते बेटे वो भी हम सीखेंगे पॉइंट ये देखो ये वाली जो एंट्री थी जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया बेटा मैंने इसकी रिवर्स एंट्री यहाँ करी है डेबिट साइड ये रही हमने उसके कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लिया बेटे तो उसकी अब नई कैपिटल देखो 37,000 दिखाई ये रही बेटा 37,000 बेटे गलती कहाँ पे थी निशान बेटे क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे बेटे राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 देयर बैलेंस शीट एट 31st March 2019 स्टूड एज फॉलोज बेटे बैलेंस शीट आपको दी गई है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल रमन बेटे नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है और 16,000 की कैपिटल लेकर आ रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2 बेटा न्यू रेशियो 5:3:2 डिसाइड हुई है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल रमन बेटा गुडविल अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है क्वेश्चन में लिखा है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन अमाउंट इन एनी कैश फॉर गुडविल So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him. So इसलिए ये decide किया गया है कि Raman की goodwill उसकी capital के contribution के according निकाल ली जाए और नीचे बेटे following revaluation दी गई तो बेटे मैं पहले working note number 1 की बात करता हूँ मेरे को new ratio question में given है बेटे मैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1 की बात करूंगा वहां मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। बच्चों हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर है वो रवि और रमन है, रवि और रमन की बेटे ओल्ड रेशियो है 3:2, बेटे नया पार्टनर रमन एडमिशन ले रहा है, नहीं नहीं ओल्ड पार्टनर बेटे राजेश और रवि, राजेश और रवि ओल्ड पार्टनर है बच्चों, और रमन हमारे पास न्यू पार्टनर है। अब बेटे उसके आने के बाद रेशो डिसाइड हुई है 5:3:2, तो मैं राजेश के लिए अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूं बेटे तो ओल्ड रेशो है बेटे राजेश की 3/5, न्यू रेशो है बेटे 5/10, एलसीएम आ गया 10, 6-5 1/10। रवि के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें बेटे 2/5 -3/10, 4-3 1/10। यानी सर दोनों 1/10 1/10 आ रही हैं, तो बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रही है। बच्चों वर्किंग नोट नंबर 2, उसके गुडविल का शेयर एक बार निकाल के देखते हैं। बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रमन्स गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ His capital contribution। बच्चों ये कहा गया है कि जो नया पार्टनर है रमन उसकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसकी आप गुडविल कैलकुलेट करो। सर ये तो आपने पॉइंट ना हम लोगों को सिखाया था हिडन गुडविल वाले पॉइंट में, सर ये वाला पॉइंट आपने हमको सिखाया था हिडन गुडविल वाले पॉइंट में, जहां पे आपने हमसे हिडन गुडविल की बात की। हाँ बेटे मैं वैसे ही कुछ करूंगा। अब यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल गुणा मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। बेटे उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे, 16,000 रुपये की वो कैपिटल ला रहा है मल्टीप्लाइड 5:3:2 रेशियो है बच्चों, 5:3:2 रेशियो है। ये नया पार्टनर है मेरे पास रमन, तो ये आ गया बेटे 2/10। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों 10/2, 2 5s are 10, 16,000 × 5, 80,000 माइनस 29,000 ऑफ द फर्म। बेटे 29,000 रुपये राजेश की कैपिटल, 15,000 रुपये बच्चों रवि की कैपिटल, 16,000 रुपये रमन की कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारे पास हो गई बेटे 60,000। और एक चीज और आपने यहां पर याद रखनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। बेटे कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस जो लायबिलिटी साइड में होता है, यानी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट, या बेटा
आपके रिवेल्युएशन अकाउंट में आने वाला प्रॉफिट, ये सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें बेटे कैपिटल को इंक्रीज करती हैं। तभी हम इसको बेटे क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो ये जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स है ना बेटा, 29,000 और 15,000 वाले, अभी आप देखना बेटे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चों रिवेल्यूशन का ना प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट से ना बच्चों इन दोनों की कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, तो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को ना रिवेल्यूशन के प्रॉफिट को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और बेटे अगर कैपिटल इंक्रीज होंगी ना, तो इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि बेटे यहाँ वाली वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ठीक है सर। सर अगर लॉस होता तो बेटे, अगर यहाँ पे ये एसेट साइड दे रखा होता प्रॉफिट एंड लॉस, या आपके रिवेल्यूशन में कोई लॉस आता तो इनकी कैपिटल बेटे डिक्रीज हो जाती, फिर यहाँ पे वर्ड इंक्रीज की जगह डिक्रीज आता, तो हम उसको माइनस कर देते। ठीक है सर। तो पहले यहाँ पर बेटे एक छोटा सा रिवेल्यूशन अकाउंट बना देते हैं। बेटे डेबिट साइड एसेट्स कम होती हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं। बच्चों क्रेडिट साइड एसेट्स इंक्रीज होती हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। जल्दी से देखते हैं बेटे क्वेश्चन, 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%। बेटे स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एसेट्स कम हो रहा है बच्चों टू स्टॉक। 15,000 का 5% 750। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी ₹500। बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी ₹500, जो पहले ₹400 का है, अब वो प्रोविजन ₹500 का हो रहा है बेटे, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बेटे ₹500 का प्रोविजन बनाना है, 400 से ऑलरेडी बना हुआ है, तो ₹100 हो गए। फर्नीचर भी डिक्रीज बाय 10%। बेटा फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है बाय 10%, तो 2 फर्नीचर बच्चों। बेटा फर्नीचर की वैल्यू 5,000 है, 5,000 का 10% 500 बच्चों। आगे लिखा हुआ बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹40,000। बेटे बिल्डिंग है 35,000 की, 40,000 की हो गई, तो इंक्रीज हो गई मेरी एसेट्स, इंक्रीज हो गई बाय बिल्डिंग। बेटे 40,000 की बिल्डिंग है, 35,000 बुक्स में है, तो ₹5,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। बेटे टोटल 5,000। माइनस करेंगे बेटे तीनों चीजें इधर से, 3,650, ये आ गया बेटे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। हमारे पास ओल्ड पार्टनर है बेटे राजेश और रवि, उसको डिवाइड कर देंगे बेटे ओल्ड रेशो में, तो 2,190,1,460। तो बेटे रिवेल्यूशन प्रॉफिट आ गया 3,650। ये रिवेल्यूशन प्रॉफिट बेटे ऐड कर देंगे यहाँ पर 3,650। बेटे मैं इसके आगे दिखा देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3, ये रहा बेटे रिवेल्यूशन अकाउंट। तो अगर आप इन सबको प्लस करें बेटे 29,000, 15,000, 16,000, तो ये टोटल आएगा बेटे 60,000। उसमें आप प्लस कर दें 3,650, तो 60,000 प्लस 3,650, तो ये आ गया 63,650।
यहाँ माइनस कर देंगे बेटे 63,650। तो बेटे फर्म की गुडविल आ गई 80,000 माइनस 63,650 16,350। ये बेटे फर्म की गुडविल आ गई। इसमें बच्चों नए पार्टनर का शेयर निकाल लो, रमन्स शेयर ऑफ गुडविल 16,350 इंटू 2/10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 3270। बेटे ये आ गया 3270। लेकिन बेटे ये वो लेकर नहीं आ रहा, अनेबल टू ब्रिंग। ये वो लेकर नहीं आ रहा है बच्चों। अब सर वो नहीं लेकर आ रहा तो हमें तो वही एंट्री करनी है, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। तो बेटे नए पार्टनर का नाम है रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू रवि कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ गया सर 3270। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है इंटू 1/2। 3270 इंटू 1/2 1635। कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स राजेश रवि रमन, पर्टिकुलर्स राजेश रवि रमन, बेटे ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे 29,000, 15,000 बाय द वैल्यूएशन प्रॉफिट 2190 1460 बाय कैश 16,000 बाय न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बेटे, तो उसका नाम आएगा क्योंकि वो लेकर नहीं आ रहा गुडविल, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट 1635 1635। बेटे अपोजिट में दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा जो ओल्ड पार्टनर है, टू राजेश कैपिटल अकाउंट 1635। उसके अकाउंट से पैसा निकाल देंगे कैपिटल अकाउंट से बच्चों, टू रवीज कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर की कैपिटल से पैसा निकाल दिया, अब यहां पे बेटे हम टोटल करेंगे। यहां पे हम बैलेंस निकाल देंगे क्लोजिंग कैपिटल का, ये टोटल आएगा बेटे 32825 18095 16,000 3 2 8 2 5
18095 16000 32825 18095 12730। बेटा कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। बच्चों कोई डाउट है? Liabilities amount, assets amount, बेटे कैश 2000 रुपये का था, 16000 रुपये की बेटे वो कैपिटल लेकर आया। बच्चे कह रहे हैं जी सर 18000 हो गया। बेटे स्टॉक की वैल्यू 15000 की थी, कम हो गई बेटे 750 से 14250 हो गई। बेटे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1500 का। बेटे डेटर्स थे हमारे पास 9400 के, माइनस प्रोविजन आ गया बेटे 500 का, आउटर कॉलम 8900, मशीनरी 19000, बिल्डिंग 40000, फर्नीचर 4500, क्रेडिटर्स 38500, आउटस्टैंडिंग रेंट 4000, कैपिटल राजेश, रवि और रमन 32825 18095 12730 63650 बेटे टोटल आ गया 106150 106150। बेटे किसी को कोई डाउट है इस बैलेंस शीट में तो पूछ सकते हैं। बेटे किसी को कोई डाउट है? बच्चों यस सर। ठीक है बेटे, आंसर बताएंगे मेरे को कितना आया सर? 5000 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। हाँ बेटे 5000 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
बेटे पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज रुपीज 400. बेटे 2000 रुपए का स्टॉक आया लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको बेचने पर 400 रुपए मिल सकते हैं, यानी हमारे स्टॉक पे हमें कितने का लॉस आ गया बेटे. तो स्टॉक 2000 रुपए का स्टॉक था, बहुत खराब हो गया, मार्केट में 400 रुपया मिला सिर्फ बेचने पर, यानी 1600 रुपए का आपको नुकसान हो गया. बेटे ये वाला पॉइंट ठीक किया था आप लोगों ने? यस सर. ठीक है बेटे. एक बेटे बैंक चार्जेस हैं जिसको बैंक लिखना भूल गया था 200 रुपया बेटे लास्ट ईयर के अंदर, वो आपको लिखना पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है. तो बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस 200. बेटे डेप्रिशन है बिल्डिंग के ऊपर 3000 रुपए का, जो पिछली बार आप ओमिशन में चले गए थे बेटा, ओमिटेड हो गया था लाइबिलिटी, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी. तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिशन ऑन बिल्डिंग 3000. बेटे क्रेडिट फॉर गुड्स फॉर रुपीज 800 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम बोथ परचेज एंड क्रेडिटर्स ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक. बेटे आपने क्रेडिटर्स से गुड खरीदे उधार पर, और जब आपने गुड्स खरीदे तो बेटे आप क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर और परचेज अकाउंट में लिखना भूल गए. तो जब आपने क्रेडिटर्स अकाउंट में वो एंट्री नहीं लिखी, अब आपको लिखनी पड़ेगी. क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है बेटे, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. टू क्रेडिटर्स, बेटे ये ओमिशन था, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आप भूल गए थे बेटा इसको लिखना. आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए बेटे 800. आगे लिखा बेटे एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट रुपीज 600 ऑफ दिस आर रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2. बेटा अच्छा, ओके ओके. बेटे जो आपने 1200 रुपए के इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उसमें 600 रुपीज आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है बेटे, इस साल का है ही नहीं. तो आपने एडवांस पे कर दिया, आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई बेटे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस. आपने बेटे 1200 रुपए का इंश्योरेंस पे किया है, आपने इंश्योरेंस पे किया है बेटे 1200 का, जिसमें से बच्चों 600 नेक्स्ट ईयर के लिए है. बेटे ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो जब 600 नेक्स्ट ईयर के लिए है तो बेटे आपने ये एडवांस पे कर दिया है, यानी ये आपके लिए हो गया बेटे प्रीपेड इंश्योरेंस. बेटे यहां पर आ गया 600. बेटे डेबिट साइड का टोटल आया 5600 माइनस 600 5000 बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए और बी दो पार्टनर हैं 5000 इंटू 3/5 5000 इंटू 2/5 3002. निशान तुम्हारे ठीक आया था बेटा? यस सर. साहिल तुम्हारा ठीक था सर? ठीक था. रिया तुम्हारा बेटा? रिया जैन ठीक था. ठीक. कनिका आपका बेटे? सर ठीक था. खुशी आपका? सर ठीक था. ठीक, मतलब ऑलमोस्ट सबका ही ठीक था बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है. बेटे मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ अब इसका. पर्टिकुलर्स
ए बी सी पर्टिकुलर ए बी by balance BD 60,000 40,000 बेटा क्वेश्चन में ना हमें एसेट साइड बैंक लिखा हुआ बेटा बैंक तो मेरे को यहां पर बैंक ही लिखना पड़ेगा by bank वो कैपिटल लेकर आया बेटे 30,000 गुडविल लेकर आया बेटे 10,000 की By premium for goodwill, $6,000, $4,000, revaluation loss, $3,000, $2,000. बेटे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 66,000, 44,000, 30,000, 66,000, 44,000, 30,000 टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 66 minus 3,000, 63,000, 44 minus 2,000, 42,000, 30,000 बेटा लिखा क्या बच्चों लिखा क्या यस सर यस सर